नमस्ते, वैदिक कल्चर के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही वार्म सब्जेक्ट लेके आपके सामने आई हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा एक फोबिया की तरह सारे, ना कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में फैला हुआ है, वो है कोरोना वायरस। वो कोरोना वायरस हो, इबोला हो, नेपा हो, बहुत तरह के वायरस हर 2-3 साल में जनरेट होते रहते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो इन वायरसेस से हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम जिस चीज को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं, वही चीज हमें उतने बड़े रूप में नजर आने लगती है। तो आज जब हर जगह हम सुनते हैं कि कोरोना वायरस, तो वो हमारे माइंड में एक फोबिया के रूप में आ गया है। अगर जनरली किसी को भी मैं देख रही हूँ बाहर, एक छींक भी आती है, तो सभी लोग उसको एकदम सस्पेक्ट की नजर से देखने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। किसी भी चीज का भय या फोबिया हमारे दिमाग में अगर क्रिएट होता है, तो वो हमारे ऑरा को बहुत ही कमजोर कर देता है, श्रिंक कर देता है, जिसके कारण कोई भी निगेटिव एनर्जी हो या किसी भी तरह का वायरस हो, वो इजीली हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, क्योंकि इससे हमारा विल पावर भी बहुत वीक होता है। तो जितना हम स्ट्रांग रहेंगे अपने विल पावर से, जितना हम स्ट्रांग रहेंगे अपनी मेंटल कंडीशन से, तो हम किसी भी चीज से, चाहे वो किसी भी तरह की एनर्जी हो या किसी भी तरह के वायरस हो, उससे हम फाइट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। कोई भी फोबिया अपने माइंड में क्रिएट मत करिए, क्योंकि इस पूरी धरती पर भी बहुत प्रकार के वायरस है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत से वायरस है, और हमारा शरीर ईश्वर ने इस तरह का बनाया है कि उसमें हर तरह के वायरस से लड़ने की स्वतः ही अंदर ताकत है। सिर्फ हम मेडिसिन के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से या अपने रहन सहन के माध्यम से उसको डाउन कर देते हैं, और हमारे शरीर को आत्मनिर्भर ना बना के निर्भर बना देते हैं बाहर की दूसरी चीजों के ऊपर। तो आपको सिर्फ अपनी इम्यूनिटी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और रही बात कोरोना वायरस की, तो इस तरह का वायरस जो है, ये सिंपली हमें नजर आता है, जैसे कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें छींक होती है, खांसी आती है, तो ये जनरल है। जब मौसम बदलता है तो ये जनरली सबके साथ होता ही है। तो ये, और इस समय मौसम परिवर्तन हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, हम शीत ऋतु से, सर्दी के मौसम से गर्मी के मौसम की ओर जा रहे हैं, तो इस समय ये स्वाभाविक है। तो आपको जरा भी छींक आए या कुछ भी हो, तो इससे डरने की जरूरत नहीं, इससे हमें सिर्फ थोड़ा सा ही प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। लोग तरह तरह की बहुत हाई फाई चीजें यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स मार्केट में से, सैनिटाइजर्स खत्म हो गए हैं मार्केट में से, डिटॉल सोप, डिटॉल हैंड वॉशेस खत्म होते जा रहे हैं, मास्क खत्म होते जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा आप इन चीजों पर डिपेंड मत करिए, बहुत ही सिंपल चीजें यूज करके आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने हिंदुस्तान को, अपनी धरती को इस तरह के वायरसों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मास्क है, मास्क आप सिंपल जो डबल मैट का क्लोथ होता है कोई भी, उसको भी आप अगर अपने नाक और मुंह पे कवर करेंगे, तो वो किसी भी तरह के वायरस इन्फेक्शन, डस्ट, हर चीज से आपके आपको प्रोटेक्ट करेगा। और इस समय जैसे वातावरण में परिवर्तन है, सब जगह कंस्ट्रक्शन भी है, तो वैसे भी वो बहुत नेसेसरी हो जाता है कि आप नाक मुंह को ढक करके बाहर निकलें। रहा आपके हाथों की सुरक्षा, तो हर समय हम सैनिटाइजर्स लेके भी नहीं चलते हैं, या जैसे अभी अवेलेबिलिटी भी नहीं है और बहुत कॉस्टली भी हो गया है, तो आप चाहें अगर है सैनिटाइजर तो ठीक है, नहीं तो सिंपली आप अगर साबुन से भी 2-3 बार हाथ धोते हैं, तो आपके हाथों में से कोई भी वायरस निकल जाता है, कोई भी बैक्टीरिया अगर आता है इन्फेक्शन वाला, तो निकल जाता है। या फिर आप इस तरह का कोई कैम्फर कपूर भी आप अपने साथ रख सकते हैं, सिंपली आप उसको इस तरह से हाथों में रब करेंगे, और इसके अंदर भी, कपूर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो भी बैक्टीरिया को और वायरस को खत्म कर देता है। तो आप सिंपली इसको अगर हाथ में रब करेंगे, तो भी आपके हाथ सैनिटाइजर जितने नहीं, लेकिन काफी हद तक क्लीन हो जाएंगे। तो ये मैं जो बता रही हूँ, जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो वैदिक कल्चर है, उसके अंदर ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो स्वतः ही आपके वातावरण को पवित्र कर देगी, शुद्ध कर देगी, इंफ्रारेड एनर्जी को खत्म कर देगी। जैसे कि गाय के ऊपर, गौ माता के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो गौ माता की हर एक चीज के अंदर वो गुण होता है कि वो कैंसर जैसी
खतरनाक डिजीज से भी आपको ठीक कर सकता है, तो ये ऐसे छोटे मोटे वायरस तो क्या चीज है। तो इसके लिए जैसे गौमूत्र होता है, तो आप गौमूत्र का हर रोज सेवन करिए। अब गौमूत्र में बहुत ज्यादा सबको स्मेल आती है, नहीं ठीक लगता है, तो इतनी गंदी कड़वी दवाइयां जो कहाँ से बन के आ रही है, उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं आप वो तो जानते नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने नहीं है इसलिए आप उसको ले लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से किसी एंगल से सही करती है, किसी एंगल से डैमेज भी करती है, कुछ अच्छे आपके बॉडी के बैक्टीरिया वायरस को भी नष्ट कर देती है। तो अगर आपको वैदिक विधि से हमारे जो धर्म ग्रंथों में जो बताया गया उससे चलना है, तो हर रोज गौमूत्र के सेवन के लिए आप एक कप में पानी ले सकते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक चम्मच गौमूत्र डालिए, उसे मिक्स करिए और उसे एक सांस में पी जाइए। सांस स्मेल करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसे इजीली इंटेक कर सकते हैं। दूसरा है गाय का गोबर, काउडम। काउडम के अंदर भी वो स्ट्रॉन्ग ताकत होती है जिससे कि वो पूरे आपके एनवायरमेंट को क्लियर कर सकता है। अब काउडम के लिए भी, काउडम में भी बहुत स्मेल आती है, लेकिन उसके लिए बने हुए उसके गोबर से जो सूखे सूखे उपले बनाए जाते हैं, एक राउंड शेप का केक बनाया जाता है, काउडम केक जिसे कहते हैं बाजार में, उसको भी आप अपने घर में सुबह शाम अगर उसकी धुनी करते हैं तो भी बहुत तरह के बैक्टीरिया और वायरस को आप नष्ट कर सकते हैं। इस सब की मैं विधि आपको एक रीकैप पे भी शॉर्ट कैप में दिखाऊंगी, किस तरह से हमें हवन करना है, किस तरह से हमें अपने घर के वातावरण को शुद्ध करना है। और दूसरी एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे किसी सेलिब्रिटी को अगर कोई तकलीफ होती है तो हमारा पूरा हिंदुस्तान जागृत हो जाता है, उसको सही करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसके लिए जगह जगह हवन यज्ञ किए जाते हैं कि वो अच्छे हो जाए, लेकिन इस हवन यज्ञ से हमारा पूरा वातावरण भी पवित्र होता है। अभी हमारी टीम कहीं खेल रही है, क्रिकेट की टीम खेल रही है, किसी भी टीम को विन करने के लिए भी हम हवन और यज्ञ करते हैं, तो क्यों आप लोग जागृत नहीं होते इस कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए, इसे पूरी तरह नष्ट खत्म करने के लिए, अपने वातावरण को पूरी तरह शुद्ध करने के लिए हम जगह जगह वो हवन और यज्ञ की विधियां करें। हम सेलिब्रिटी को अच्छा करने के लिए करते हैं, हम अपने टीम को विन करने के लिए करते हैं, तो क्या हम अपनी स्वास्थ्य के लिए ये नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि हर जगह मंदिरों में, सोसाइटीज में, जैसे अभी होली का उत्सव भी गया, उस समय भी आप ये कर सकते थे कि जो भी वातावरण को शुद्ध करने वाली चीजें हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो उसमें डालिए और उससे आप ये विधियां भी करिए। इसके साथ साथ हमारे वैदिक धर्म में, वैदिक कल्चर में बहुत से ऐसे मंत्र बताए गए हैं, जो मंत्र हैं वो एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो हमें एक एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है, और उसी फ्रीक्वेंसी की, उसी साउंड की फ्रीक्वेंसी में ऐसी भी पावर है कि वो किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस को नष्ट कर सकती है। सिंपली अगर आपको बहुत मंत्र नहीं आते, जरूरत नहीं, एक गायत्री मंत्र और एक महामृत्युंजय मंत्र, सिर्फ ये दो मंत्रों की वाइब्रेशन भी ऐसी है आपको किसी भी तरह के रोग से सुरक्षित रख के आपकी रोग प्रतिशोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी जो है आपकी किसी भी वायरस से फाइट करने की उसको बढ़ा सकती है। तो आप महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग अपने घर में रखें, खुद करें, गायत्री मंत्र की चैंटिंग खुद करें, अपने घर में प्ले करें। जितनी ज्यादा साउंड इसकी प्ले होगी, जितनी ज्यादा साउंड ये हमारे एनवायरमेंट में जाएगी, तो उससे, उस फ्रीक्वेंसी से वो बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप अपने घर में सिंपली ये एवरीडे करें, सुबह दोपहर शाम करें, फिलहाल जब मौसम परिवर्तन का समय है तो जरूर करें। इन चीजों को साथ में अपने पर्स में भी कैरी करें, रखें। सबसे पहले मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे आप कर सकते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आपको बताती हूँ। आप इस तरह का पेपर नैपकिन ले सकते हैं, उस पेपर नैपकिन या फिर कोई भी जो भी आपके पास नैपकिन है वो लें, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर आप रखें, कैम्फर, इस तरह की जो ये ग्रीन इलायची आती है इन्हें छील लें, इनके अंदर जो बीज निकलते हैं उन बीजों को थोड़ा हल्का सा क्रश करना है, उसको इसके अंदर रखें, और कुछ लौंग, लवंग, क्लोव, ये कार्डमम एंड क्लोव्स, इनके कुछ दाने आप इस तरह से पेपर नैपकिन में रखें और इसको रैप कर लें, या आप हमेशा अपने पास वॉलेट या पर्स में रखें, जेंट्स जो है वो अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। जब भी आपको कभी ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई स्नीजिंग कर रहा है या बाहर ज्यादा डस्ट है या बहुत पब्लिक प्लेस में आप खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इसे जस्ट आप अपने नोज के पास रख सकते हैं। इसे आप जैसे जैसे स्मेल करेंगे आपका पूरा प्रोटेक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा,
सिंपली कपड़े से जो होता है उसकी बजाय जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो इससे भी आपका बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन होता है किसी भी बैक्टीरिया से। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कपूर है ये बहुत ही एक अच्छी चीज है जो आपको सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचाती है। इसे लेकिन लोग जलाते हैं, जलाने की बजाय आप इसे इवेपोरेट करिए। इस तरह के आजकल डिफ्यूजर बहुत आ रहे हैं मार्केट में, आपको इजीली मिल जाएंगे। इस तरह के जो डिफ्यूजर्स होते हैं वो स्लोली कैम्फर को पहले डिसॉल्व करते हैं और फिर उसको लिक्विड फॉर्म में लाके उसकी जो एनर्जी है उसको इवेपोरेट करते हैं। जो जब वो इवेपोरेट होती है तो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से क्लियर कर देती है। तो ये इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर है, इसे लगाइए, इसके अंदर आप थोड़ा सा कपूर लीजिए और डाल दीजिए। विद इन हाफ एन आवर ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और आपके एटमोसफेयर को क्लियर कर देगा। सुबह दोपहर शाम आप ये करिए अपने घर में। दूसरा एक आप पीछे देख रहे हैं जो वो है रॉक सॉल्ट लैम्प। रॉक सॉल्ट जो है वो भी वातावरण के अंदर जो मॉइस्चर होता है, वातावरण के अंदर जो भी वायरस है उसको एब्जॉर्ब करके नष्ट करता है, क्योंकि नमक के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एनर्जी को पूरी तरह कट करके क्लियर करता है। तो आप अपने एनवायरमेंट में, अपने घर में, अपने ऑफिस में इस तरह के रॉक सॉल्ट लैम्प को लगा सकते हैं। दूसरा, जब हम और अपने घर के अंदर सुबह शाम आप इस तरह की धूप, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान है उसमें जो धूप और दीप कहा गया है उससे भी इंफ्रारेड एनर्जी जो क्रिएट होती है उसको नष्ट किया जा सकता है। तो दीप करना है तो शुद्ध घी का करना होता है, क्योंकि उसी से हम प्रॉपर जो हमें रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। रही बात धूप की, ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। हमारे आश्रम में हम लोग स्पेशल धूप बनाते हैं जिसके अंदर काउडंग और बहुत सी जड़ी बूटियों का उपयोग किया जा सकता है। बाजार में भी बहुत तरह की इस तरह की भी धूप स्टिक मिलती है। अगरबत्ती के प्रयोग को मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि उसके अंदर बैम्बू स्टिक होती है और वो हमारे लिए हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए। इसलिए बिना बैम्बू स्टिक वाली, बिना स्टिक वाली धूप का ही प्रयोग करें। वो सूखी धूप हो सकती है या फिर इस तरह की गीली धूप हो सकती है। तो ये भी हमारे वातावरण को शुद्ध करके हमारे वातावरण में से पूरे बैक्टीरिया को निकाल देती है। एक और चीज है जो है, मैंने पहले भी जिसका जिक्र किया है, गौमूत्र। गौमूत्र के लिए आप किसी भी गौशाला से, क्योंकि गौशाला में जो गाय होती है वो प्योर और अच्छा भोजन उनको दिया जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ काउज होती हैं, उसी का मूत्र, जो पहला मूत्र होता है, पहला जो यूरिन होता है काउ का, फर्स्ट यूरिन आप रिक्वेस्ट करके गौशाला वाले से किसी भी बॉटल में ले सकते हैं। उसे इस तरह कांच की बॉटल में आपको रखना है, प्लास्टिक में नहीं रखना है। ये आपका कम से कम 15 से 20 दिन या एक महीना तक चलता है एक टाइम का जो गौमूत्र होता है। ये भी जब आप अपने घर में पूरा स्प्रिंकल करते हैं तो इंफ्रारेड एनर्जी को पूरी तरह खत्म करता है, वास्तु दोष को भी रिमूव करता है, इसके साथ साथ कई वायरस को भी नष्ट करता है, एज वेल एज आपके बहुत से कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको पॉजिटिव करके उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसके बहुत सारे मैजिक यूजेस हैं, मतलब मैजिक रिजल्ट्स हैं और मल्टीपर्पज यूज है। तो हर घर में गौमूत्र हो तो बहुत ही अच्छा है। इस गौमूत्र को सिंपली आपको यूज कैसे करना है, बहुत स्मेल आती है बहुत से लोगों को, स्मेल को दूर करने के लिए, जैसे कि ये कप है, ये मग के अंदर मैंने पानी सिंपल भर के रखा है। इस तरह से आप एक चम्मच इतना गौमूत्र लें और इसको इसमें मिक्स करें। इसमें मिक्स करने के बाद आप इसको सिंपली ड्रिंक करें बिना इसको स्मेल किए हुए, और साथ में कुछ ऐसी चीज खा सकते हैं जिससे आपका जी ना खराब हो। ये आपको हमेशा के लिए आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बना देगा। ये सिर्फ अभी के जो सो कॉल्ड कोरोना वायरस के बारे में है, सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसको एवरीडे इनटेक करिए। इसके अलावा जैसे कि हम हीलिंग फील्ड में हैं तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम एनर्जी के ऊपर भी वर्क करते हैं, तो हम बहुत से क्रिस्टल्स के ऊपर भी वर्क करते हैं। तो आप अपनी बॉडी के ऊपर क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। क्रिस्टल में आप अलग अलग सेवन चक्रास के या मल्टी क्रिस्टल पहन सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एमेथिस्ट पहन सकते हैं, जो क्लियर क्वार्ट्स है वो पहन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वो प्रॉपर्टीज होती है कि वो किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी, अभी निगेटिव एनर्जी क्या है, सिर्फ एनर्जी जो दिखती नहीं है वही है, इसी तरह वायरस भी है जो दिखते नहीं है, तो वो भी वन काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी ही है। तो उन सबसे ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप अपने घर में इस तरह के क्रिस्टल के टंबल्स डाल के आप अपने पास रख सकते हैं।
अपने बच्चों को स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, आप जहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे वहां रख सकते हैं, तो ये भी एक ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करेंगे जिससे कि कोई भी वायरस इतनी जल्दी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। और सबसे मेन बात है जो हमारे वैदिक कल्चर में आती है या वैदिक धर्म में आती है या हमारी सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में आती है, बी वेजिटेरियन, यानी कि पूर्ण रूप से आप शाकाहारी बनिए, वेजिटेरियन बनिए। किसी भी जीव को मार के खाना, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं जो खाते हैं, वो अपना धर्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं जिस रास्ते पे हूं तो मैं इसका जरूर आपको फायदा बताना चाहूंगी कि जब हम किसी भी जीव की हत्या करके उसको खाते हैं तो उसके अंदर एक भाव होता है, जब उसकी हत्या की जाती है उसके हर सेल की मेमोरी के अंदर वो फोबिया होता है, हर सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो सारे भाव जब आप खाते हैं तो उस फूड के अंदर, उस खाने के अंदर आते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इस तरह के नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करिए। फिलहाल इस समय तो खास आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अब हर तरह के जीव के अंदर वो वायरस पनपने लगा है कि वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आपको किसी भी तरह डैमेज करेगा, तो वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जब जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की डिसीज हो सकती है। जैसे कि आज ही मैंने सुना है कि यूपी और बिहार में कहीं बर्ड फ्लू भी फैल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत से डंप किया जा रहा है जिंदा जीव उसको। तो बजाय इसके कि आप जीव हत्या करें, जगह जगह जाके मतलब खाएं इन चीजों को, बढ़ावा दें इन चीजों का, जैसे कि पहले जमाने में, यानी अब से 5 से 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो वेजिटेरियन जो थे वो 80% थे और नॉन वेजिटेरियन सिर्फ 20% थे, और आज हम देखते हैं तो जस्ट उसका उल्टा रेशियो हो गया है, 80% जो है वो नॉन वेजिटेरियन हो गए और 20% जो है वेजिटेरियन हो गए। सो अब आप इसे बिल्कुल बदल दीजिए, आपके अंदर आपके पूरा जो पृथ्वी है वो पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने हर जीव को किसी ना किसी पर्पज के लिए रचा है, तो किसी भी जीव की हत्या ना की जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इसके साथ साथ हमारा जो वेजिटेरियन फूड है उसके अंदर भी ऐसी शक्ति है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे जैसे कि कहा जा रहा है विटामिन सी, विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत बढ़ाता है। तो विटामिन सी के लिए आपको क्या करना है कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, स्टार फ्रूट, स्टार फ्रूट या कमरक उसे कहा जाता है, उसको आप अपने सैलड में शामिल करिए, आंवला जो है उसे करिए, नींबू का पानी लीजिए, जितने भी सिट्रस फ्रूट है उनके अंदर विटामिन सी होता है, बजाय आप मेडिसिन लेने के उसको इंटेक करने के टैबलेट्स को, आप इस तरह के फूड को अपने खाने में बढ़ावा दीजिए। आप सतरंगी सलाद बनाइए, यानी उसके अंदर ग्रीन भी हो, व्हाइट भी हो, रेड भी हो, हर तरह का कलर हो, तो वो सारे कलर्स आपकी बॉडी के अंदर है, आपके हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर कलर है, तो जब आप उनको वो तरह का फूड प्रोवाइड करते हैं तो उनकी ताकत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जब हमारे अंदर के सिस्टम की ताकत बढ़ जाएगी तो कोई भी बाहर का एक छोटा सा बैक्टीरिया या वायरस, वो कोरोना हो, निपा हो या स्वाइन फ्लू का हो, एनी, उसकी ताकत नहीं है कि वो आपकी इतनी बड़ी बॉडी के अंदर जो इतने स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियाज हैं उनसे फाइट करके आपकी बॉडी पे कब्जा कर सके, आप उसको इजीली खत्म कर सकते। और एक चीज आप कर सकते हैं कि अपनी दिनचर्या में आप योगा अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है, योगा के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, यानी कि योगा जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज है उसे फिट करता है, और जो प्राणायाम है वो आपके प्राणों का व्यायाम है। प्राण क्या है, हमारी श्वास, जिसे हम हमेशा भूल जाते हैं, तो जब हम उस श्वास को ले रहे हैं तो उसका जब हम व्यायाम करेंगे तो हमारी श्वास अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। बहुत तरह के प्राणायाम आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं, सिंपली आप अगर अनुलोम विलोम यानी आनापान सति ध्यान, यानी सिर्फ सांसों को किस तरह लेना और निकालना है उसी को अगर आप करते हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि इससे आपके अंदर की जो सोलर एनर्जी और लूनर एनर्जी, यानी चंद्र और सूर्य की जो शक्ति, यानी हॉट और कोल्ड की जो पावर्स है, वो बैलेंस हो जाएगी, और जब वो बैलेंस होंगी तो नेचुरली आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। तो जो हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है, इसी के द्वारा हम एक रिदम में सांस लेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। सिंपली मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप अपने इस तरह की एक विष्णु मुद्रा होती बनाएंगे, राइट नॉस्ट्रल को आप बंद करेंगे, और राइट नॉस्ट्रल को बंद करने के बाद ये टू फिंगर्स आप यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा पूरा सर्कुलेट होता है एक सिस्टम जो इड़ा पिंगला नाड़ी का है, तो इसे हम कंट्रोल करने के लिए कि हम
बहुत ज्यादा ब्रीदिंग ना लें और बहुत ज्यादा एक्सहेल ना करें, तो सिर्फ उसको इसको आपको प्रेस नहीं करना है, जस्ट इसे हल्का सा टच करना है और हल्का सा प्रेस करके आप राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे और इनटेक करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से डीप स्टमक ब्रीदिंग का, देन लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, देन अगेन कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, अगेन इनटेक करेंगे राइट नॉस्ट्रल से, क्लोज करेंगे, होल्ड करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से इसे एक्सहेल कर देंगे, देन अगेन लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे, और लास्ट में हमें इस तरह के आप 11 साइकिल भी करते हैं और लास्ट में जब हमें इसे फिनिश करना है तो हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही एक्सहेल करना है, बाहर निकालना है सांस को, सिर्फ इतना आप सुबह और शाम कर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही बढ़ जाएगी, आपको इवन बहुत सी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, स्नीजिंग है, पूरा ये जाम हो जाता है, साइनस है, ये सारी चीजें भी आपकी दूर हो जाएगी, सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोरोना वायरस से बचने के लिए मैं आपको एक और घर में किस तरह से आप हवन कर सकते हैं ऐसा एक छोटा सा सिंपल तरीका बताती हूँ, जिसके लिए कि आपको इस तरह का एक वेसल चाहिए और ये आपको काउडंग का केक चाहिए, थोड़ा सा घी चाहिए, कॉटन चाहिए, इस तरह के बर्तन में आप ये काउडंग केक आपको कहीं भी मिल जाएगा, जहां गौशाला वगैरह है वहां से आप ले सकते हैं, आजकल मार्केट में भी सभी जगह ये अवेलेबल है, इसे लें, इसको एक वेसल में इस तरह से तोड़ के डाल दें, जो शुद्ध घी होता है गाय का ही शुद्ध घी लिया गया है यहाँ पर, ये भी हमें तो सब हमारे यहाँ पूरी इंफ्रा रेड एनर्जी को खत्म करता है, तो कॉटन को हम इस में डिप कर लेंगे और इसको यहाँ अंदर रख देंगे इस तरह से, ये रखने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा कैम्फर कपूर डालेंगे, कुछ आप इसमें लौंग डालिए क्योंकि लौंग भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है हमारे ऑरा को, हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करती है, आप इसके अंदर कार्डमम यानी कि हरी इलायची डालिए और इसमें आप कुछ धूप भी इस तरह की डाल सकते हैं क्योंकि धूप भी वातावरण को शुद्ध करती है, इसके बाद आप इसे लिड करेंगे, बंद करेंगे, बहुत ही सेफली काम करना है ये आपको क्योंकि आप घर में कर रहे हैं, ये जो धूप है इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और ये जो घी है आप चाहें तो इस घी को आप अपने घर में अगर मंत्र करना चाहते हैं तो इस घी को इस तरह से पिघला के इसकी आहुति भी आप दे सकते हैं, और इसकी आहुति करते समय आपको सिंपली जो मंत्र है आपको जो भी मंत्र आते हैं वो मंत्र बोलिए, आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं या आप महामृत्युंजय मंत्र दे के भी इसकी आहुति कर सकते हैं, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में बंधना मृत्योर्मुक्षीय वामृतात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में बंधना मृत्योर्मुक्षीय वामृतात् स्वाहा, तो इस तरह का बहुत आपको विधियां नहीं पता है तो इस तरह छोटा सा आप हवन जैसा जो है अपने वातावरण को पवित्र करने के लिए आप अपने घर में करें, और इसके बहुत ही ज्यादा आपको अलग अलग रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको कोरोना वायरस से बचाएगा, आपके घर में वास्तु दोष भी दूर करेगा, आपके घर में कोई भी अगर नकारात्मक ऊर्जा है उन्हें भी दूर करेगा, या आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में या किसी भी जगह सुरक्षित स्थान में इस तरह से जला सकते हैं, और जब इसमें थोड़ा धुआं हो जाए तो उस धुएं को आप पूरे घर में स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे कि जहां जहां जिस जिस कोने में ये जाए वहां से पूरी नकारात्मकता को खत्म कर दे।
तो जहां तक मुझे समझ आ रहा था, जहां तक मेरी नॉलेज थी, उसके हिसाब से मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सकती है और उनको भी फायदा होगा। तो आशा है कि मैं आप तक बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाई हूँ। एक नए एपिसोड में एक नई सब्जेक्ट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ब्लेसिंग्स के साथ, नमस्कार।